everyone, this is Chitranshi Dubey, faculty of Access Colleges, and here I am dealing with your Constitution of India. So Constitution of India में मैंने आपको काफ़ी कुछ पढ़ा दिया गया था, जो आपका कंपनी रूल था जो 1773 से स्टार्ट हुआ था एंड इट वॉज टिल 1858, तो ये मैंने कंप्लीट करा दिया था. अभी हम जो डील कर रहे थे वो क्राउन रूल स्टार्ट किया था मैंने इन योर लास्ट लेक्चर. सो क्राउन रूल 1858 से 1947 तक चला, यानी कि जब तक हम आज़ाद नहीं हो गया. और क्राउन रूल के अंतर्गत जो आपका सबसे पहला एक्ट आया था दैट वाज और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में हमने काफ़ी कुछ देखा था, जो गवर्नर जनरल था वो वॉइसराय बन चुका था और जो कि एजेंट होता था क्राउन का. एंड यहाँ पर एक नया जो ऑफिस है वो क्रिएट किया गया था एंड द न्यू ऑफिस वॉज सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, जिसके पास 15 मेंबर्स का एक काउंसिल था जो उसको एडवाइस देता था. नाउ द नेक्स्ट एक्ट वॉज इंडियन काउंसिल्स एक्ट, दैट इज योर 1861 में आया. सो इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन. तो यानी कि अभी तक हम जो देख रहे थे सेंट्रलाइजेशन वाला प्रोसेस, यानी कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल की जा रही थी सिर्फ और सिर्फ बंगाल से. ठीक है, बंगाल जो था वो इनका प्रॉपर एक हब था और उसके बाद वो वहाँ से मद्रास को भी कंट्रोल कर रहे थे, वहाँ से ये कंट्रोल कर रहे थे बॉम्बे को और इवन अदर सारे अपने वो एरियाज जहाँ पर भी इनका कॉलोनी था. सो अभी क्या किया इन्होंने, डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट कर दिया. व्हाट इज़ डिसेंट्रलाइजेशन? सेंट्रलाइजेशन मींस लाइक दिल्ली से आप सारी जो दिल्ली की सरकार है वो सब कुछ हैंडल कर रही है, यूनियन गवर्नमेंट सब कंट्रोल कर रही है सिर्फ दिल्ली से. ठीक है, लेकिन क्या प्रेजेंट टाइम में ऐसा है? ऐसा नहीं है. यहाँ पर आप समझने की कोशिश करेगा कि हमारे यहाँ क्या है, कुछ ये स्ट्रक्चर है. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आर प्रेजेंट गवर्नमेंट, यानी कि यहाँ पर आपका एक यूनियन गवर्नमेंट है. ठीक है, ये आपका क्या है, यूनियन गवर्नमेंट है. और यूनियन गवर्नमेंट या हम इसको सेंट्रल गवर्नमेंट बोलें, उसके बाद आपका स्टेट में एक गवर्नमेंट आता है और देन ये जो स्टेट्स हैं ये बहुत सारे हैं. ठीक है, सपोज यूपी का अलग है, एमपी का पूरा अलग सिस्टम है, देन छत्तीसगढ़ का आ जाता है, झारखंड आ जाता है, बिहार आ जाता है. सो ये जो है आपका पूरा क्या है, डिफरेंट है. यानी कि यहाँ पर तो आपका एक गवर्नमेंट है, वो ये गवर्नमेंट, ये जो यूनियन गवर्नमेंट है ये सभी स्टेट की गवर्नमेंट को सिर्फ क्या करती है, कंट्रोल करती है, मैनेज करती है. बट दिस इज व्हाट योर डिसेंट्रलाइजेशन. अब इसके अंतर्गत भी एक जो थर्ड स्टेज है, जो हमारी थर्ड टीयर की गवर्नमेंट है, दैट्स योर विलेजेस एंड म्युनिसिपैलिटीज, यानी कि ये गाँव और शहर, विलेज और अर्बन, यहां पर क्या है पंचायत से और यहां पर क्या है म्युनिसिपैलिटीज है. तो ये एक अपने अलग तरीके का, ये जो है आपका, ये सबसे पहले सेंट्रल यानी कि जो आपका केंद्र सरकार हो गई, देन दिस इज योर स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग स्टेट में. अब ये जो स्टेट गवर्नमेंट है इनके हर एक स्टेट गवर्नमेंट के पास एक विलेज है और एक अर्बन वाला एरिया है. जो विलेज एरिया है वहाँ पर इन्होंने पंचायत दिए हुए हैं और जो वैसा एरिया है अर्बन एरिया वहाँ पर म्युनिसिपैलिटीज की व्यवस्था है. तो ये जो है इसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि सारी पावर्स सिर्फ एक सरकार के हाथ में नहीं है, सेंट्रल के पास नहीं है, बल्कि उन पावर्स का क्या हो चुका है, बंटवारा हो चुका है. तो यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन बाय रिस्टोरिंग लेजिस्लेटिव पावर्स टू बॉम्बे एंड मद्रास. तो यहाँ पर क्या हुआ कि बॉम्बे और मद्रास से जो इनके पावर्स ले लिए गए थे वो अब क्या हो गए कि वो इनको वापस से लौटा दिए गए. बॉम्बे और मद्रास के पास जो भी गवर्नर जनरल का अधिकार वहाँ पर क्या हो गया था, डिप्राइव कर दिया गया था और इन्होंने इन्हें ये वापस से दे दिया गया. दीज पावर्स वर टेकन अवे थ्रू चार्टर एक्ट 1833. तो ये जो पावर्स थी ये 1833 में जो चार्टर एक्ट आया था उसके तहत इनसे ले ली गई थी. नेक्स्ट इंट्रोड्यूस रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया बाय एसोसिएटिंग इंडियंस विद द लॉ मेकिंग प्रोसेस. तो यहाँ पर एक और बात सामने आई कि जब इंडियन काउंसिल एक्ट आया तो अब क्योंकि क्राउन एक्ट हो चुका था, तो क्राउन यानी कि वहाँ की जो महारानी थी उन्होंने ये बोला कि जब आप भारत के लिए कोई सरकार बना रहे हैं, भारत में रूल करना चाहते हैं, तो वहां पर कुछ लोग तो ऐसे एलीट लोग होंगे जिनके जरिए आप क्या कर सकते हो, उनको भी शामिल करो. तो ऐसा करके इन्होंने क्या किया कि रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन लाए, यानी कि वहां के लोग अब क्या कर सकते थे, अभी तक भारत वासियों को कुछ भी नहीं मिला था, इंडियंस के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं था कि वो एक कोई बना सकते हैं, अपनी कह सकते हो पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं और फिर खड़े हो सकते हैं, बट यहाँ से उनको ये अधिकार मिला. वॉइसराय क्या करते थे, नॉमिनेटेड सम इंडियंस. वो वॉइसराय अभी तक ये खुद नहीं करते थे, लेकिन वॉइसराय क्या करते थे, नॉमिनेट करते थे कुछ इंडियंस को जो कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की तरह क्या करते थे, काउंसिल में जुड़ जाते थे.
ठीक है। तो जो बंदे होते थे ब्रिटिशर्स उनको ऑफिशियल मेंबर्स कहा जाता था, जो इंडियंस होते थे उनको नॉन ऑफिशियल कहा जाता था। और ऐसे कुछ लोगों को कौन करता था नॉमिनेट, वॉयसराय नॉमिनेट करते थे। पहले जो तीन लोग नॉमिनेट किए गए थे, फर्स्ट थ्री इंडियंस वर द राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। ये देखो, ये मैंने क्यों ऐसे फैक्चुअल फॉर्मेट में या फिर बहुत ज़्यादा फैक्चुअल डेटा आपको देने का कोशिश किया है, ताकि अगर आप इनसे रिलेटेड कुछ भी आंसर्स में लिखोगे देन योर आंसर विल बी वेरी मच इफेक्टिव, ठीक है। बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नज़र आएगा कि यस, आपने कुछ भी अपने आप से नहीं लिखा है, इनफैक्ट ऑल द इन्फॉर्मेशन इज गिवन हियर ओनली, ठीक है। सो इट इज़ वेरी ऑथेंटिक एंड रीजनेबल, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि जो पहले तीन लोग नॉमिनेट किए गए थे वॉयसराय के द्वारा, देवर द राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड द सर दिनकर राव। इट एम्पावर्ड द वॉयसराय टू इशू ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग एमरजेंसी। अब एमरजेंसी का जो प्रोविजन था वो तब से ही चला आ रहा है, आज भी हमारे यहाँ एमरजेंसी लगती है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमने सीखी जो हैं, या हमने आज कॉन्स्टिट्यूशन में अपने शामिल की हैं। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर आप समझो कि क्या मतलब है ये सारी बातें पढ़ाने का। ये सारी बातें पढ़ाने का मतलब ये है, सिर्फ इतना सा मतलब है कि जो आज का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जो अभी का हम पढ़ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो क्या ऐसे ही बन गया या फिर कैसे बना, उन सब के पीछे ये सारे जितने भी एक्ट्स आए थे, जितने भी चार्टर्स आए थे, ये सारे एक्ट, ये सारे चार्टर्स जिम्मेदार हैं, ठीक है। और सबसे बड़ा जो जिम्मेदारी वाला एक्ट कह सकते हो, दैट वाज योर 1935, 1935 का जो अधिनियम आता है, जो एक्ट आता है, दैट वाज वेरी मच प्रोमिनेंट फॉर योर जो भी करंट स्टेटस है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके लिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर इमरजेंसी इशू करने का राइट किसके पास है प्रेजेंट टाइम में, आपके प्रेसिडेंट के पास। तो उस समय किसके पास होता था, वॉइस राय। तो यहाँ पर देखो, जो वॉइस राय का जो भी यहाँ पर रोल है वो कहीं ना कहीं हमारे प्रेसिडेंट से पूरा मैच करता है। उसके बाद एम्पावर्ड द वॉइस राय टू फ्रेम द रूल्स ऑफ बिजनेस, द सेम पावर इज गिवन टू प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 77। तो बिजनेस से रिलेटेड जो रूल और रेगुलेशन बनाने के जो राइट थे वो किसके पास थे, वॉइस राय के पास। और सेम वही राइट जो है वो हमारे प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट के पास भी हैं अंडर आर्टिकल 77, ठीक। फिर स्टैचुरी रिकॉग्निशन ऑफ टू पोर्टफोलियो सिस्टम। पोर्टफोलियो सिस्टम मतलब समझते हो, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट आप संभालेंगे, ठीक है, आप ये वाला मंत्रालय आपका हो गया, दिस मिनिस्ट्री इज अंडर योर कंसिडरेशन। तो ऐसे करके जो पोर्टफोलियो वाला सिस्टम है वो स्टार्ट हुआ था आपके 1861 के एक्ट से। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड पंजाब। तो इन सभी के लिए, बंगाल के लिए, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और पंजाब के लिए, तो ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, इन सब के लिए एक नई लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई थी। पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग जो थे, इनके द्वारा पोर्टफोलियो सिस्टम लाया गया था, फाउंडेशन ऑफ कैबिनेट गवर्नमेंट इन इंडिया। तो हमारे यहाँ जो कैबिनेट गवर्नमेंट है, आपने देखा होगा जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं उनके पास क्या होता है, एक एक पोर्टफोलियो होता है ना, कि आपको ये डिपार्टमेंट देखना है, द एजुकेशन मिनिस्टर ये हैं, कोल मिनिस्टर ये हैं, रेल मिनिस्टर ये हैं, जैसे ये देखते थे कि क्या है, ये इनका पोर्टफोलियो है। इसी तरह से यहाँ पर पोर्टफोलियो वाला सिस्टम स्टार्ट किया था लॉर्ड कैनिंग ने। नाउ इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 आता है, दो द मेजॉरिटी ऑफ ऑफिशियल मेंबर्स वर रिटेन्ड, द नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल वर हेंसफोर्थ टू बी नॉमिनेटेड द बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इनके द्वारा नॉमिनेट हुए थे ये नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। फिर इसके बाद कहा जा रहा है, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल काउंसिल वर टू बी नॉमिनेटेड बाय सर्टेन लोकल बॉडीज। तो जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ भी इनको नॉमिनेट कर सकती थी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड भी नॉमिनेट कर सकते थे एंड म्यूनसिपैलिटीज़ भी नॉमिनेट कर देती। तो ये नॉमिनेशन के द्वारा ही आते थे आपके जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हुआ करते थे। बिगनिंग ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम इन इंडिया। और यहीं से आपकी जो प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम है वो स्टार्ट होता है, ठीक है। जिसको नॉमिनेट किया गया वो पर्टिकुलर उस एरिया से क्या हो जाएगा, उस पूरे एरिया का एक रिप्रेजेंटेटिव बन करके आएगा। फिर काउंसिल टू हैव द पावर टू डिस्कस बजट ऑफ एड्रेसिंग क्वेश्चंस टू द एग्जीक्यूटिव। तो इसके पहले जो था, यानी कि जो 61 हमने पढ़ा, उसमें क्या था, बजट नहीं डिस्कस करने का पावर था,
ना तो कोई क्वेश्चन पूछ सकते थे इंडियंस कि आपने ऐसा क्यों किया, ये रूल तो हमारे लिए सही नहीं है, ये हम इसके खिलाफ हैं, ये सब कुछ नहीं बोल सकते थे। ये शुरुआत हुई, द काउंसिल हैव द पावर टू डिस्कस बजट ऑफ द एड्रेसिंग क्वेश्चंस टू द एग्जीक्यूटिव। फिर आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। तो 1909 का जो एक्ट आया उसको हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। मॉर्ले वॉज दी वॉइसरॉय एंड मिंटो वॉज दी सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। तो इसलिए इनको ये दोनों मिलकर के ही, उस समय सिर्फ दो जो थे वो बड़े ऑफिशियल कह सकते हो कि ऑफिसर्स थे, पहला था आपका वॉइसरॉय और दूसरा था स्टेट ऑफ सेक्रेटरी। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था वो था मिंटो एंड मॉर्ले वॉज दी वॉइसरॉय। तो इन दोनों को मिलकर के इनके टाइम पीरियड पे आया था, तो इसको ये भी कहा जाता है। तो फर्स्ट टाइम एन एलिमेंट ऑफ इलेक्शंस टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो यहां पर अभी तक तो नॉमिनेशन वाला प्रोसेस चल रहा था, लेकिन अब एक इलेक्शन का प्रोसेस भी आया कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो लोग आएंगे वो इलेक्ट होकर के आएंगे। एट द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल नॉन ऑफिशियल मेंबर्स टू बी इन मेजॉरिटी। और ये कहा गया कि जो ये प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी, यानी कि स्टेट में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी, आपने विधानसभा सुना है, जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा वैसे समझ लें कि विधानसभा जो है, जो प्रेजेंट टाइम की लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल है, वो क्या कर सकते हैं, वो प्रोविंशियल लेवल पे आएंगे और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो उसमें होंगे वो मेजॉरिटी में होंगे। यानी कि जो वैसे जो आपका सेंटर में है, सेंटर में ब्रिटिशर्स की मेजॉरिटी रहेगी, यानी कि सेंटर का जो गवर्नमेंट है उसमें ब्रिटिशर्स ज़्यादा होंगे, ऑफिशियल मेंबर्स की मेजॉरिटी होगी, जबकि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसमें नॉन ऑफिशियल की मेजॉरिटी हो सकती है। इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। अब सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, यहाँ पर कम्युनल जो था वो बहुत ज़्यादा नज़र आया, यानी कि अब मुस्लिम्स ने ये बोला कि हमारे लिए क्या, हमारा तो कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। तो ऐसे करके क्या हुआ कि कहा गया कि जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव, एक मुसलमान लोगों का एक अलग से रिप्रेजेंटेटिव लाया जाएगा और उसको अधिकार होगा कि जितने भी मुसलमान कैटेगरी के लोग हैं वो इसको अपना वोट देंगे, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम। अब ये याद रखना कि 1909 से ये जो शुरू हुआ है सेपरेट इलेक्टोरेट वाला, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 1909 में आया था सिर्फ मुस्लिम्स के लिए, लेकिन ये आगे चल के फिर SC के लिए हो जाएगा, यानी शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए हो जाएगा, विमेंस के लिए हो जाएगा, ओबीसीज के लिए हो जाएगा, सिख के लिए हो जाएगा, क्योंकि फिर ये सब क्या माइनॉरिटी में आ जाएंगे। इट प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम एन एसोसिएशन ऑफ इंडियंस। तो पहली बार भारतीयों ने मिलकर के एक एसोसिएशन बनाया विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वॉइसराय एंड गवर्नर्स। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के भी लोग थे उसमें, गवर्नर्स भी थे, और उसमें सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे वो जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक लॉ मेंबर होता था, और उस समय के लॉ मेंबर कौन थे, मैकाले। तो वो तो ब्रिटिशर्स थे, लेकिन जो पहले इंडियन लॉ मेंबर थे उसमें वो थे आपके सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द वॉइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ही वॉज अपॉइंटेड एज द लॉ मेंबर, ठीक। तो ये बात आपको याद रखनी है। आगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आता है। तो 1909 के बाद 1919 आता है, जो मॉन्टेग्यू और जेम्स फोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। और मॉन्टेग्यू जो थे वो उस समय के वॉइसरॉय थे, और जेम्स फोर्ड जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे। सो द आइडिया ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट स्ट्रेस्ड। और यहाँ पर एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का आइडिया आया। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब ही सिंपल सा ये है कि हम डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे और सेंटर में एक अलग गवर्नमेंट होगी, स्टेट्स में अलग गवर्नमेंट यानी प्रोविंसेस में अलग गवर्नमेंट होगी, और हम अच्छे से रूल करेंगे। फिर इंडियन लेजिस्लेचर बिकेम बाई कैमरल फॉर द फर्स्ट टाइम। और 1919 में क्या हुआ, पहली बार जो इंडियन लेजिस्लेचर था वो बाई कैमरल बना। बाई कैमरल मीन्स यानी कि दो हाउसेज हो गए। आज जो हम पढ़ते हैं लोअर हाउस एंड अपर हाउस, यानी कि जो हम पढ़ते हैं लोकसभा और राज्यसभा। तो पहली बार ये लोकसभा और राज्यसभा कब बने, ये 1919 में बने, यानी कि मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड रिफॉर्म्स में लोकसभा और राज्यसभा अस्तित्व में आए। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन एक्सटेंडेड। अभी जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था, हमने पीछे बात करी थी, ये कम्युनल रिप्रेजेंटेशन सिर्फ और सिर्फ किसको दिया गया था, मुस्लिम्स को दिया गया था। लेकिन अब ये कम्युनल रिप्रेजेंटेशन किसके पास पहुंच गया, सिख के पास पहुंच गया, क्रिश्चियन लोगों के पास, एंग्लो इंडियंस के पास, यूरोपियंस के पास, यानी कि जो भी माइनॉरिटी में थे उन सब को ये कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दे दिया गया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया नाउ टू बी पेड फ्रॉम ब्रिटिश रिवेन्यू। और जो सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे
उनको अभी तक जो पैसा दिया जाता था, जो सैलरी दी जाती थी, वो यहीं के रेवेन्यू सिस्टम से जनरेट करके दी जाती थी, लेकिन अब ये जो है ब्रिटिश रेवेन्यू से दी जाने लगी। डायरकी इन प्रोविंसेस बाय डिवाइडिंग सब्जेक्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बिटवीन ऑफिशियल मेंबर्स एंड इलेक्टेड मेंबर्स, तो यहाँ पर डायरकी कर दी गई, क्या कि कुछ सब्जेक्ट्स जो थे वो ऑफिशियल मेंबर्स को दे दिए गए कि आप इसमें रूल बनाओगे, और कुछ सब्जेक्ट्स जो है वो जो नॉन ऑफिशियल थे उनको दे देंगे कि आप इस पे रूल बना सकते हो। क्रिएटेड सेंटर स्टेट रिलेशन, और यहाँ पर सेंटर स्टेट रिलेशन को सही बनाने के लिए कुछ चीज़ें लाई गई, और ये जो डायरकी है वो बस यहीं तक रहेगी, ये आगे चलेगी नहीं और ख़त्म हो जाएगी। ईच हाउस वॉज टू हैव अ मेजॉरिटी मेंबर्स हु वर डायरेक्टली इलेक्टेड, तो सभी जितने भी जो भी हाउसेज थे वहाँ पर मेजॉरिटी में मेंबर्स थे और जो कि डायरेक्टली इलेक्टेड थे। सो डायरेक्ट इलेक्शन वॉज इंट्रोड्यूस दो दी फ्रेंचाइजेज और वॉज मच रिस्ट्रिक्टेड, तो यहाँ पर बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइजेज, यानी कि कौन कौन वोट दे सकता है, ये बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टिवली डिसाइड किया गया कि ये पर्सन्स वोट देंगे, और उसके अकॉर्डिंग बहुत ही सेलेक्टिव फ्रेंचाइज, रिस्ट्रिक्टेड कह सकते हो, उसके हिसाब से यहाँ पर इलेक्ट होके मेम्बर्स आए थे। सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम द प्रोविंशियल एंड द सेंट्रल बजट, और पहली बार 1919 में क्या हुआ कि पहली बार जो स्टेट गवर्नमेंट का बजट था, यानी कि उस समय हम प्रोविंस कहते थे, और जो सेंटर गवर्नमेंट का बजट था वो क्या हो गए, अलग अलग हुए थे। हाई कमिश्नर का एक ऑफिस बनाया गया था, कहाँ पर, लंदन में ही, ठीक है, और इनका टाइम पीरियड क्या होता था, 6 ईयर्स का होता था। हुज ड्यूटी वॉज टू लुक आफ्टर इंडियन ट्रेड इन यूरोप, तो इनका काम क्या था कि ये भारत का जितना भी ट्रेड होता था, जो भी इंडियन ट्रेड होता था, वो यूरोप में कैसा है, किस तरह से इनका क्या कैसा चल रहा है, क्या चीज़ें इम्पोर्ट हो रही हैं, क्या एक्सपोर्ट हो रही हैं, इम्पोर्ट हुआ तो कितना हुआ एक्सपोर्ट, मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं वो इनके अंडर में आती थी। सम ऑफ द फंक्शंस हिथेरटो परफॉर्म बाय दी, और कुछ फंक्शन जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के द्वारा अभी तक किए जाते थे वो फंक्शंस ट्रांसफर कर दिए गए थे किसके पास, हाई कमिश्नर के पास। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, बिकॉज ये आपके सिलेबस में बिल्कुल क्लियरली मेंशन है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। तो उसके पहले हम जान लेते हैं कि 1935 का जो एक्ट आया था, उसके पहले हमारे भारत में क्या हुआ था, 3 ऐसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज हुई थी, ठीक है, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती हैं 1931, 1932 एंड 1933। तो यहाँ पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, लंदन में, ठीक है, लंदन में हुई थी। अब यहाँ तक, यहाँ पर जो भी पहले आपका आपने अभी तक पढ़ा 1833 तक, उसमें ये नहीं समझ में आया कि मतलब सारी चीज़ें तो कर रहे थे ब्रिटिशर्स, लेकिन फिर भी जो इंडियंस थे वो चाह रहे थे कि हमें अब प्रॉपर क्या चाहिए, हमें अपना अधिकार चाहिए, हम आपके इसमें ऐसे करके हम नहीं रह सकते। तो जो क्राउन था उन्होंने क्या किया, यानी कि जो महारानी थी, और ये बात वहाँ तक पहुँची, तो इन्होंने क्या किया कि जो भी आप काउंसिल थी जिसमें इंडियंस भी शामिल थे, इलेक्ट होकर के आए थे, जो वो नॉमिनेट किए गए थे, ऐसे सभी लोगों को बुलाया गया और बोला गया हम आपके साथ एक मीटिंग करेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि क्या होना चाहिए आगे का प्रोसीजर और कैसे आपके भारत में सरकार चलनी चाहिए। सो 31 में कोई भी, उस समय बन चुकी थी हमारी कांग्रेस, और 31 में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया इस पर्टिकुलर राउंड टेबल में, ना ही 33 में पार्टिसिपेट किया, सिर्फ और सिर्फ गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया आपके 1932 वाले में। और 1932 में जब इन्होंने पार्टिसिपेट किया, उसके बाद ये सारी चीज़ें बाहर निकल करके आई, यानी कि 1935 का एक्ट जो था वो सिंपल सा ये समझो कि 1935 का एक्ट जो था वो नतीजा था किसका, ये जो 3 आपकी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज हुई थी इनका नतीजा था जो आपका ये एक्ट था, ठीक है। तो ये इन तीनों टेबल जो भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई उनके पास उसके बाद ये रिजल्ट निकल करके आया और ये बना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो कि अपने आप में बहुत ही ज़्यादा क्रूशल है। क्यों क्रूशल है, बिकॉज इसके बारे में हमने ऑलरेडी देखा है, मैंने आपको बताया कि ये जो 1935 वाला एक्ट है, इसका बहुत एक मेजर पोर्शन जो है हमारे प्रेजेंट टाइम के कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। फाइन, तो स्टार्ट करते हैं, क्या है, प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ
एंड ऑल इंडिया फेडरेशन कंसिस्टिंग ऑफ प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स एज यूनिट्स। तो देखो एक और बात समझो यहाँ पर कि जो हमारा इंडिया था वो क्या था कि डिवाइडेड था, पहले ये इंडिया है ठीक है। अब इंडिया में दो तरह की उस समय चल रही थी टेरिटरीज, पहला तो ये चल रहा था कि इंडिया अंडर ब्रिटिशर्स, तो यहाँ पर जहाँ भी कॉलोनीज थी ब्रिटिशर्स की वो ब्रिटिश पोजीशन वाला भारत हो गया, और दूसरा चल रहा था आपका प्रिंसली स्टेट, यानी कि यहाँ पर अभी भी क्या थे, किंग थे ठीक है, यहाँ पर अभी भी क्या थे, किंग्स थे। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपना किंग का जो होता है ना कि हम राजा का पद नहीं छोड़ेंगे आप क्या करो, तो अंग्रेजों ने क्या किया था, ब्रिटिशर्स ने इनको खरीद लिया था, यानी कि ये कुछ पैसा इनको बस देते थे और उस उनके एरिया में अच्छे से व्यापार करते थे। कुछ ऐसे एरिया थे ये वाले जहाँ पर राजा वगैरह यहाँ के छोड़ के चले गए थे, और ये पूरा एरिया जो है वो ब्रिटिशर्स ने अपने कब्जे में कर लिया था। तो इस तरह से दो प्रिंसली स्टेट थे और इंडियन ब्रिटिशर्स थे, फाइन। अब देखो आगे क्या कह रहा है, प्रिंसली स्टेट्स डिड नॉट ज्वाइन एंड सो फेडरेशन डिड कम इनटू एग्जिस्टेंस, यानी कि यहाँ पर 1935 में ये लेकर क्या है, फेडरेशन होगा, एक इंडिया जो होगा वो फेडरेशन होगा, और उस फेडरेशन में क्या होगा कि प्रोविंसेस भी होंगे और प्रिंसली स्टेट भी होंगे, लेकिन यहाँ पर प्रिंसली स्टेट ने आने से मना कर दिया, तो ये जो इनका फेडरेशन वाला पॉइंट था ये क्या हो गया, यहीं पर ख़त्म हो गया, समझ में आ गया होगा आई होप। फिर है रेजिडरी पावर्स। अब देखो रेजिडरी पावर्स क्या है, हमारे पास क्योंकि क्या है, हम फेडरल कंट्री है, फेडरल मीन्स हमारी जो पावर्स हैं वो डिवाइडेड हैं, कैसा, सेंटर के पास कुछ पावर्स हैं, कुछ पावर्स स्टेट के पास हैं और कुछ पावर्स दोनों के पास हैं, हम ये बात पढ़ेंगे शेड्यूल 7 में ठीक है। शेड्यूल 7 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंतर्गत तीन चीज़ें दी हुई हैं, एक दी हुई है आपकी यूनियन लिस्ट, एक दी हुई है स्टेट लिस्ट, और तीसरी दी हुई है कॉन्करेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट जो है आपकी, उसमें सिर्फ और सिर्फ खूब सारे ऐसे करके टॉपिक्स दिए हुए हैं, सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, लाइक डिफेंस हो गया ठीक है, एजुकेशन हो गया, इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया, ऐसे करके ऐसे सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, और इन सभी टॉपिक या सब्जेक्ट्स पे जो रूल बनाने का राइट है वो किसको है, यूनियन गवर्नमेंट को है। उसी तरह से स्टेट लिस्ट है, एक स्टेट में भी ऐसे करके लिस्ट दी हुई है एक लंबी चौड़ी, और उसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ रूल बनाने का राइट किसका है, स्टेट का। और फिर एक कॉन्करेंट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट हैं जो ना इसमें है ना ही इसमें है, और उस इन सभी सब्जेक्ट्स में रूल कौन बना सकता है, यूनियन भी बना सकती है और स्टेट भी बना सकती है, लेकिन प्रिवेल किसका करेगा, मान लो कि इसने भी रूल बनाया, स्टेट ने और यूनियन ने भी बनाया, दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, तो फिर बड़ा कौन है, बड़ा यूनियन है, तो यूनियन का जो फैसला होगा वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। इसके अलावा यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और जो आपका कॉन्करेंट लिस्ट है, इसके अलावा जो सब्जेक्ट्स इन तीनों टॉपिक में नहीं है वो सब्जेक्ट किसमें है, आपके रेजिडरी ठीक है, रेजिडरी लिस्ट में है। और ये जो रेजिडरी लिस्ट है आज के टाइम पे इस पे नियम कानून बनाने का जो राइट है, लॉ बनाने का, वो यूनियन का है, लेकिन उस समय जो रेजिडरी पावर्स थी वो किसके हाथ में थी, वॉइसरॉय के हाथ में थी। आई होप नाउ इट्स क्लियर। डायाकी रिजेक्टेड बाय द साइमन कमीशन, तो उस समय साइमन कमीशन आया और साइमन कमीशन ने क्या किया, ये जो डायाकी वाला सिस्टम था वो रिजेक्ट कर दिया, प्रोवाइडेड इन द फेडरल एग्जीक्यूटिव। अब इंट्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस, तो अभी तक सिर्फ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात हो रही थी, कहाँ पर, सिर्फ सेंट्रल में, यानी कि सेंटर में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगी ठीक है, जो अपने फैसले खुद लेगी, ऐसे करके अभी क्या हुआ कि इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया प्रोविंस में भी एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगी, इंट्रोड्यूस बाय कैमरलिज्म इन 6 out of 11 प्रोविंसेस। तो टोटल मैंने आपको बताया कि 11 प्रोविंस थे, इन 11 प्रोविंस में से 6 प्रोविंस में बाय कैमरलिज्म स्टार्ट हो गया, यानी कि यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली आ गई और लेजिस्लेटिव काउंसिल आ गई, जिस तरह से आपकी सेंटर पे लेकर के आए थे लोकसभा एंड राज्यसभा।
फाइन, उसी तरह से प्रोविंस में लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। आगे चलते हैं, एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। अब ये जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन है, पहले ये मुस्लिमों तक था, उसके बाद ये पहुंचा सिख तक, ठीक है, उसके बाद ये और आगे बढ़ा, अब देखो ये कहां तक पहुंच गया, रिप्रेजेंटेशन बाय प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस। डिप्रेस्ड क्लासेस कौन है? शेड्यूल कास्ट, विमेन, लेबर, ठीक है। 1909 में क्या था? ओनली फॉर मुस्लिम्स, तो 1909 में केवल ये मुस्लिमों को दिया गया था अधिकार। 1999 में ये सिख, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस तक पहुंच गया था। लेकिन अब जब ये आया 1935 का एक्ट, तो इसमें कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो है वो पहुंच गया कहां तक? जो डिप्रेस्ड क्लास है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, यहां तक। और ये जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन है, इसके बहुत ही ज़्यादा अगेंस्ट थे कौन? आपके गांधी जी। एबॉलिश द काउंसिल ऑफ इंडिया, तो जो काउंसिल ऑफ इंडिया थी उसको एबॉलिश कर दिया गया, एस्टैब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1858। और ये जो आपका काउंसिल ऑफ इंडिया था, ये 1858 के जरिए बना था, है ना। द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया वॉज प्रोवाइडेड विद अ टीम ऑफ एडवाइजर, और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी उसको एक एडवाइजरी टीम दी गई थी। एस्टैब्लिश हुआ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 1935 में ही आपका जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, और ताकि वो करेंसी और क्रेडिट के मैटर्स को सॉल्व कर सके, हैंडल कर सके एक्चुअली। फिर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि जो प्रेजेंट टाइम में हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन देखते हैं, आपने सुना होगा UPSC, जो IAS, PCS, CDS, CAPF ये सारे एग्जाम कराती है, तो उस प्रेजेंट टाइम में हम उसको UPSC कहते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। उस टाइम पे ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन था। प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको हम आज स्टेट PSC कहते हैं, क्या कहते हैं? स्टेट PSC, ठीक है। UPSC जो हम कहते हैं, यूनियन उत्तर प्रदेश पब्लिक लोक संघ सेवा आयोग, या बिहार का, ऐसे ही हर एक स्टेट का अपना होता है, और जॉइंट भी होता है, तो JPSC, ठीक है, फॉर टू और मोर प्रोविंसेस। तो ये पूरा देखो, ये अभी भी है प्रेजेंट टाइम में, तो हमने 1935 से लिया। रिजर्व बैंक हमने अभी भी है हमारे पास, तो 1935 से लिया। प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट, फेडरल कोर्ट होगी हमारे यहाँ, विच वॉज सेटअप इन 1937, और फेडरल कोर्ट को सेटअप किया गया 1937 में। अब फेडरल लेजिस्लेचर वॉज टू हैव चैम्बर्स, अ फेडरल लेजिस्लेटर का मतलब क्या था कि यहाँ पर क्या होंगे? बायकैमरलिज्म। बायकैमरलिज्म मैंने आपको बताया कि द काउंसिल ऑफ स्टेट एक होगी, तो काउंसिल ऑफ स्टेट जो होगी एंड द फेडरल लेजिस्लेटिव असेंबली, तो काउंसिल ऑफ स्टेट एक हो गया और दूसरा हो गया फेडरल लेजिस्लेटिव असेंबली। द काउंसिल ऑफ स्टेट जो है वो आपका अपर हाउस है, वॉज टू परमानेंट बॉडी, तो एक होता है अपर हाउस, एक होता है लोअर हाउस। अब ऐसे समझो इसको, तो जस्ट रीड एंड ट्राई टू लर्न, लेकिन उसके अलावा प्रेजेंट टाइम में आप जो पढ़ोगे, वो जो अपर हाउस इसमें बात कर रहे हैं, जो अपर हाउस की बात हो रही है, दैट इज योर राज्य सभा, ठीक है, दैट इज योर राज्यसभा। तो राज्यसभा जो है, इट्स योर परमानेंट हाउस, ठीक है, तो परमानेंट है आपका क्या? राज्यसभा। उसी तरह से जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स है वो परमानेंट हाउस है, उसी को हम अपर हाउस कहते हैं, और आज हम राज्यसभा उसको कहते हैं। और दूसरा होगा हाउस ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, वो होगा काउंसिल ऑफ आपका फेडरल लेजिस्लेटिव असेंबली, जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी वो आपकी लोकसभा होगी, फाइन। फिर देयर वर टू बी थ्री लिस्टेड, अब ये मैंने आपको थ्री लिस्ट एक्सप्लेन कर दी है कि क्या है। फिर देयर वॉज अ प्रोविजन फॉर जॉइंट सिटिंग, अब ये जो जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन है, यानी कि अगर आपने जैसे अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी कि जैसे अभी कोई रूल नया बनना है, कोई लॉ आना है, तो होता क्या है कि एक एक्ट, पहले एक बिल लाया जाता है, वो बिल प्रपोज किया जाता है किसी में भी, लोकसभा में, राज्यसभा में, फिर वो उस बिल पे चर्चा होती है, काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन होता है, क्या चीज़ें सही हैं, क्या गलत हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का कहीं वॉयलेशन तो नहीं कर रहा है ये बिल, बहुत सारी चीज़ें देख करके फिर वो बिल क्या बनता है? एक्ट बनता है। तो जब वो बिल एक्ट बनता है, उसके लिए क्या करना होता है? कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि लोकसभा और राज्यसभा ने क्या किया कि लोकसभा ने उसको मंजूरी दे दी और राज्यसभा ने नहीं दी, तो दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। तो इस कॉन्फ्लिक्ट का निपटारा करने के लिए एक जॉइंट सिटिंग बुलाई जाती है, ठीक है। तो ये देखो, जॉइंट सिटिंग जो है और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको हम डेडलॉक बोलते हैं, ठीक है, डेडलॉक। तो इस डेडलॉक को क्लियर करने के लिए एक जॉइंट सिटिंग बुलाई जाती है। ये सब हम पढ़ेंगे जब धीरे धीरे कवर करेंगे अपना कॉन्स्टिट्यूशन। तो जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन जो है वो भी हमने यहीं से लिया है।
डायरकी इन दी प्रोविंसेस वॉज अबॉलिश्ड एंड प्रोविंसेस वर गिवन ऑटोनॉमी. तो यहाँ पर डायरकी जो थी प्रोविंसेस में वो खत्म हो गई, प्रोविंसेस को क्या दे दी गई, ऑटोनॉमी दे दी गई. जैसे कि ऑटोनॉमी का मतलब क्या, डिस्टिंक्शन बिटवीन रिजर्व एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट. कुछ मैंने आपसे कहा था कुछ रिजर्व सब्जेक्ट थे, कुछ आपके ट्रांसफर सब्जेक्ट थे, वो सारे एबॉलिश कर दिए गए और एक पर्टिकुलर लिस्ट बना दी गई स्टेट लिस्ट के नाम से और वो सब्जेक्ट्स उनको दे दिए गए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट. और यहाँ पर 1935 के तहत जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो ऑफिस था वो एबॉलिश कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया. अब इश्यूज क्या थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के, ये भी समझना ज़रूरी है. सो सबसे पहला इशू था द एक्ट प्रोवाइडेड अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन. जो ये एक्ट था इसने क्या प्रोवाइड किया, एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड किया जिसमें चेंजेस करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था. और ये जो चेंजेस थे या अमेंडमेंट थे, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज में अमेंडमेंट कहते हैं चेंजेस को, राइट ऑफ अमेंडमेंट था किसके पास, ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास. तो ऐसा एक्ट ला करके हम इंडिया में क्या करेंगे, जाहिर सी बात है कि इंडियंस अगर अपने अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस नहीं कर सकते, अमेंडमेंट नहीं कर सकते, तो ये एक्ट तो बेकार हो गया. दूसरा, एक्सटेंशन ऑफ सिस्टम ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट. कम्युनल इलेक्टोरेट भी बेकार है. क्यों? क्योंकि ऐसे तो हमारे यहाँ क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट्स और ज़्यादा बढ़ रहे हैं सिख में, मुस्लिम में, और ये आपस में ऐसे करके, ठीक है, सेपरेट टेंडेंसी कल्मिनेटिंग इन पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिया. तो ये सेपरेट जो टेंडेंसी है वो क्या कर रही है कि इंडिया के पार्टिसिपेशन को बढ़ावा दे रही है. 1935 एक्ट वॉज कंडेम्ड बाय नियरली ऑल सेक्शंस एंड यूनानिमसली रिजेक्टेड बाय दी कांग्रेस. तो इसको जो 1935 का एक्ट था इसको सबने बहुत ज़्यादा बुरा बोला और फाइनली इसको रिजेक्ट कर दिया. अब आता है 1947 का एक्ट. फाइनली द एक्ट वॉज प्रोवाइडेड अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन विद आपका डिक्लेयर्ड इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन स्टेट फ्रॉम August 15, 1947. तो अब जब 1935 का एक्ट आया उसके बाद बहुत सारी चेंजेस हुए हमारे यहाँ, और फिर इस एक्ट को ये देखते हुए दूसरा एक्ट आया हर 10 साल में. और आप एक बात और ध्यान रखिएगा, शुरुआत से लेकर के अभी तक जो भी इस तरह के एक्ट आए हैं वो उसमें एक लंबा जो टाइम पीरियड गैप है वो जो है वो 10 ईयर्स का है. हर 10 सालों में ये इस तरह का एक्ट लाते थे और मान लो कभी ज़रूरत पड़ी तो बीच में भी आ जाता था. बट एक मोटा मोटा एक ब्रीफ ये याद रखो कि इन एवरी 10 ईयर्स वी गॉट अ चार्टर और एक्ट लाइक दिस, ठीक है. सो इंडिया में ये इंडिपेंडेंट एक्ट आया जिसके तहत हमें 15 अगस्त 1947 को क्या मिल गई, इंडिपेंडेंस मिल गई. फिर प्रोवाइडेड फॉर द क्रिएशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट डोमिनियंस, और यहाँ पर इसके तहत हमारे पास क्या हुए, टू इंडिपेंडेंट डोमिनियंस बने, इंडिया और पाकिस्तान. राइट टू सीड फ्रॉम ब्रिटिश कॉमनवेल्थ. और उस समय क्या था कि ब्रिटिश कॉमनवेल्थ जो है जहाँ कहीं भी ब्रिटिश कॉलोनीज थी वो आपकी कॉमनवेल्थ कंट्रीज बनी, और ये हम पर ये पूरा अधिकार छोड़ दिया गया था कि अगर हम इन कॉमनवेल्थ में ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो नहीं कर सकते. गवर्नर जनरल ऑफ ईच वर टू बी अपॉइंट by king then on the advice of the dominion cabinet. ठीक है, तो dominion cabinet ने जिसको advise किया था उसको क्या बनाया गया, general governor general बनाया गया था उस time का, ठीक है. empowered the constitution assemblies of the two dominions to frame and adopt the constitution. और यहाँ पर इनको यह अधिकार भी दिया गया कि आप चाहो तो इस constitution को जो हमने बना करके दिया है आप उसको रख सकते हो, अगर आप नहीं चाहते हो, आप उसमें कुछ amendment करना चाहते हो वो कर सकते हो, या अपना संविधान खुद बनाना चाहते हो तो बना सकते हो. abolish the office of secretary of state, वो तो खत्म हो ही चुका था. transfer his function और उसके जितने भी काम थे वो सबको ट्रांसफर कर दिया गया था secretary of state for commonwealth affairs, और जो ये सारे काम कॉमनवेल्थ अफेयर्स को ट्रांसफर कर दिए गए थे. इट असाइन डुअल फंक्शन, अब इसको दो काम दिए गए थे, क्या, एक तो कॉन्स्टिट्यूएंट का, एक लेजिस्लेटिव का. तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज फॉर्मड इन 1946. तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इसके जरिए बनी थी आपकी 1946 में. और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इसके पास दो काम थे, एक तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम था, दूसरा इसका काम लेजिस्लेटिव का भी था. तो लेजिस्लेटिव भी थी ये, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली भी थी. तो जब तक कि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन गया तब तक इसने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का काम किया. जब कॉन्स्टिट्यूशन बन करके तैयार हो गया तो यही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हमारी पहली क्या बन गई, लेजिस्लेटिव असेंबली बन गई या कैबिनेट बन गई, ठीक है. So it declared this dominion legislature as sovereign body, granted freedom to the Indian princely state either to the joint dominions of India or dominion of Pakistan or to remain independent. तो यहाँ पर आपको क्या पता चलता है कि जितने भी हमारे princely state थे वो क्या थे कि वो तैयार नहीं थे कि वो चाहते थे कि हमें भी
जैसे आपने पाकिस्तान को अलग कर दिया, वैसे ही आप हमें भी अलग कर दें। बहुत सारे ऐसे हुए जिन्होंने ये मंशा जताई, लेकिन जैसे कि आपने नाम सुना होगा एक बहुत ही फेमस, जिनको हम आयरन मैन भी कहते हैं, वल्लभ भाई पटेल। तो इनके ज़रिए क्या हुआ, इन्होंने पूरा इंडिया क्या किया, सभी जगह जा जाकर जितने भी प्रिंसली स्टेट थे उनको समझाया और उनसे साइन कराया किस पे, कि भारत जो है वो क्या है, एक यूनियन है, ठीक है, यूनियन है और ये कभी भी अलग नहीं हो सकता। तो सारे जितने भी आपके प्रिंसली स्टेट थे वो धीरे धीरे करके मान गए, सिर्फ दो दो यानी कि आपके तीन थे शायद, जो मैसूर, हैदराबाद और आपका जम्मू कश्मीर, जिन्होंने थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया लेकिन फिर बाद में ये भी मान गए और शामिल हो गए थे इसमें, ठीक है। तो इनका एक बहुत ही बड़ा रोल है और इनको हम आयरन मैन के नाम से इसीलिए जानते हैं, ठीक है। और इन्हीं के इसीलिए इनके नाम पर क्या बना है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है। यूनिटी का जो स्टैचू है वो इनके नाम पर इसीलिए बना है क्योंकि इन्होंने इतनी मेहनत करके इंडिया में घूम घूम करके सारी जो भी प्रिंसली स्टेट्स हैं उन सबको भारत में मिलाया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे एंड आई होप आपको ये दोनों ही आपके जो भी चीज़ें हैं, 1935 का एक्ट, 1947 का एक्ट, ये समझ में आया होगा। और इसके पिछले जो कुछ भी मैंने पढ़ाया वो इम्पॉर्टेंट था ताकि आप इन दोनों चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ सकें। थैंक यू सो मच।